देखिए जो क्वेश्चन का टॉपिक चल रहा था आपका रचना और रचनाकार तो उसमें आगे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके यूपी ट्रिपल एस ई अग्ञानस में पूछे गए हैं तो यहाँ पर मैंने आपकी दो क्लासों में पिछले भी कराए हैं रचना और उनकी रचना ठीक है तो रचनाकारों की रचना पिछले टॉपिक में कराएँ और यहाँ पर भी कराने वाला हूँ तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे यहाँ पर लिए हैं मैंने और इससे रिलेटिव सारे क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो जाते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चन चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिप्स में लिंक डीला हुआ है वहां से जाके देख सकते हैं तो क्वेश्चन है आज का मैथिली शरणगुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है देखिए मैथिली शरण गुप्त की अगर बात करें तो मैथिली गुप्त शरण का जो संबंध तो है आधुनिक से तो द्विवेदी युग से है ठीक है आधुनिक आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है देखिए ये जो थे मैथिली शरणगुप्त की अगर बात करूं तो द्विवेदी युग से है अगर यहां पर देखिए छायावात्तर युग के कौन से कवि हैं तो छायाोत्तर के की अगर बात करें तो इसके जैसे जयशंकर जैस प्रसाद हो गए जयशंकर प्रसाद हो गए ठीक है जयशंकर प्रसाद आपके छायावत्तर युग के कवि हैं जैसे निराला हो गए ठीक है निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सुमित्रानंदन पंत सुमित्रानंदन पंत सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है सुमित्रा नंदन पंत हो गई तो ये यहाँ पर इनको नोट करना सुमित्रानंदन पंत ठीक है और आपकी इसमें जो महादेवी वर्मा है महादेवी वर्मा तो महादेवी वर्मा भी छात्र युग कवि हैं ठीक है इनको भी नोट करना अब छायावादी युग की अगर बात को देखिए तो ये देखिए तो ये छायावादी युग के कवि थे ठीक है तो छायावादी युग के ये कवि हो गए अब यहां पे अगर बात करें छायावातर युग की तो छायावातर युग के जो कवि हैं जैसे इसमें आपके बालकृष्ण शर्मा वाल कृष्ण शर्मा ठीक है वालकृष्ण शर्मा है माखन लाल चतुर्वेदी हैं माखन लाल चतुर्वेदी माखन लाल चतुर्वेदी हैं तो देखिए भगवती शरण वर्मा हैं भगवती शरण वर्मा भागवती शरण वर्मा तो ये छयातर युग के कवि हैं तो इनको यहां पर नोट कर लेना चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ठिठुरता हुआ गणतंत्र तो ठिठरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंगकार कौन है ठिठरता हुआ गणतंत्र तो इसके देखिए इसके जो व्यंग्यकार हैं अगर उनकी बात करूं तो वो आपके हरिशंकर परसाई हैं कौन है, है? हरिशंकर परसाई देखिए इनकी जो अन्य रचनाएं हैं जैसे इनकी अन्य रचनाएं निठल्ले की डायरी ठीक है इनकी अन्य रचनाएं यहाँ पर नोट करना निठल्ले की डायरी जो आपसे पूछ लेता है वो यहाँ पर मैं वो लिखवा देता हूँ निठल्ले की डायरी हो गई भोला राम का जीव ठीक है भोला राम का जीव भोला राम का जीव एक ये भी पूछ लेता है और पंगडियों का जमाना पंगडियों का जमाना पंगड़ियों का जमाना तो ये तीनों ऐसी हैं जो आपसे पूछ लेता है ठीक है अब देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ धर्मवीर भारती की तो धर्मवीर भारती की जो रचनाएं हैं जैसे गुनाहों का देवता इसे बहुत पूछता है गुनाहों का देवता गुनाहों का देवता और सूरज का सातवा घोड़ा सूरज का सातवा घोड़ा ठीक है सूरज का सातवा घोड़ा अंधा युग अंधा युग तो ये रचनाएं है ऐसी हैं जिन्हें पूछ लेता है अगर मैत्री गुप्त की बात करूं तो इनकी भी कुछ रचनाएं है ऐसी हैं जो आपके एग्जाम से पूछता है जैसे भारत भारती ठीक है भारत भारती पंचवटी 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 है और आपकी झंकार साकेत झंकार और साकेत ठीक है तो इनको नोट कर लेना ये आपकी पूछ लेता है एग्जाम्स में चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं देखिए निर्मला जो है रचना निर्मला तो ये उपन्यास है प्रेमचंद का ठीक है चित्त के फूल निबंध है राम वृक्ष बेनपुरी का वरदान जो है कहानी है प्रेमचंद की भारत दुर्दशा नाटक है भारतेंदु हरिचंद का तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं राम वृक्ष बेनपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्य विद्या से संबंधित हैं तो माटी की मूर्तें जो है ये किस उससे संबंधित हैं देखिए यहां पे अगर बात करें तो ये जो है वो आपकी रेखा चित्र है ठीक है माटी की मूर्ति क्या है रेखा चित्र है ठीक है तो इनकी और रचनाएं हैं जैसे यात्रा व्रतंत तो यात्रा वृतांत की अगर बात करूं देखिए तो ये संस संस्करण संस्मरण है ठीक है तो ये संस्मरण है इनका संस्मरण ठीक है उपन्यास तो इनका भारतेंदु हरिचंद का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है तो देखिए तो भारतेंदु हरिचंद का कौन सा नाटक बंगला से अनुदित है तो इसकी बात की जाए तो यह है विधा सुंदर ठीक है कौन सा है विधा सुंदर नामक जो नाटक है बंगला से अनुदित है विधा सुंदर नाटक में प्रेम विभाग को अधिक श्रेष्ठकर माना गया इसमें जो माना गया है प्रेम विभाग को अधिक यानी कि प्रेम विभाग को अधिक श्रेष्ठकर माना गया है ठीक है अगला क्वेश्चन है पुरस्कार पुरस्कृत हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है तो पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किसकी साहित्य रचना अगर इसकी बात करें तो ये डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना है किसकी है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना है ठीक है देखिए इन्हें 2009 में नौ में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ठीक है साहित्य अकादमी पुरस्कार तो यहां पर नोट कर लेना इन्हें 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अब देखिए मृदुला गर की बात करूं तो इन्हें 2013, 2013 में ठीक है 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ठीक है साहित्य अकादमी पुरस्कार तो इन्हें 2013 में मिला था ठीक है देखिए निर्मला वर्मा की बात करूं तो इन्हें जो मिला था उन्नीस में उन्नीस में पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार ठीक है तो कौन सी देखिए इनकी जो जिसे मिला था अगर रचना की बात करूँ तो मिला था कव्वे और काला पानी कब्बे और काला पानी के लिए कब्बे और काला पानी के लिए ठीक है और इनकी बात करूँ इन्हें दो हज़ार जो नौ में मिला था तो तो इन्हें दो हजार नौ में मिला था ठीक है तो देखिए डाक्टर क्लास को जो मिला था इन्हें हवा में हस्ताक्षर के लिए मिला था ठीक है अब यहाँ पे अगर मृदला तो अर्जुन की बात करूँ तो इन्हें जो पुरस्कार मिला था वो मिलल जुलम मन को मिला था जो इनकी रचना थी उसके लिए ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है देखिए अगर बात करें इसकी तो तुलसीदास की कौन सी रचना जो भाषा में है तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो तुलसीदास की भाषा की रचना अगर यहाँ पे पूछा जाए तो ब्रजभाषा में जो इनकी रचनाएं हैं जैसे कवितावली दोहावली विनय पत्रिका कृष्णावली तो ये सारी हैं इसमें ठीक है तो यहाँ पर क्वेश्चन में गलती है तो तुलसीदास कौन सी रचना ब्रजभाषा में है तो सारी हैं यहाँ पर ठीक है तो ये क्वेश्चन में त्रुटि है कहीं ना कहीं ठीक है ये आपका चकबंदी लेखभाल में पूछा गया तो सारी आपकी रचनाएं हैं ब्रजभाषा में ठीक है और भी रचनाएं हैं इनकी ब्रजभाषा में ठीक है अगर अवधि भाषा की बात आती है अवधि भाषा की तो अवधि भाषा में क्या जैसे रामज्ञा है रामज्ञा है रामज्ञा प्रसन्न ठीक है रामज्ञा प्रसन्न है रामलला तो राम है रामलला नहचू ठीक है तो रामलला नहचू है जान की मंगल है जान की मंगल तो जान की मंगल भी इनके अवधि भाषा में है रामचरित मानस है रामचरित मानस है ठीक है रामचरित मानस है पार्वती मंगल है पार्वती मंगल और बर्वे रामायण बरवे रामायण तो ये इनकी अवधि भाषा में है बाकी इनकी ये ब्रजभाषा में कोतवाली कृष्ण कवितावली कैश गीतावली विनय पत्रिका देहा दोहावली ठीक है तो ये इनकी ही पत्रिका ब्रजभाषा में है तो इसमें क्वेश्चन में गलती है ठीक है जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है तो जयशंकर जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना काव्य रचना एतुकांत शैली में लिखी गई है तो कौन सी है वो है प्रेम पथिक ठीक है तो प्रेम पथिक इनकी ऐसी रचना है जो आपकी ए तुकान शैली में लिख की गई है ठीक है तो यहां पर इसको नोट कर लेना निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त कृत नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रचना है जो मैथिली शरणगुप्त कृत नहीं है देखिए यहां पर अगर बात करें तो नील देवी मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है ठीक है बल्कि किसकी है ये तेंदु हरिचंद की यहाँ पर इसको नोट कर लेना तेंदु हरिश्चंद की रचना है ठीक है तेंदु हरिश्चंद की ठीक है रचना है और यहाँ पर जैद प्रत यशोधरा साकेत इनकी रचना है मैथिली गुप्त की ठीक है तो इनको यहाँ पर नोट कर लेना और इनकी रचनाएं हैं जैसे रंग में भंग ठीक है रंग में भंग भी इनकी रचना है एक जैसे यश यस, यशोधरा तो इसमें यशोधरा है लिखा हुआ ठीक है जय व्रत हो गया भारत भारती भी इनकी रचना है ठीक है भारत भारती ठीक है पंचवटी मैंने अभी पीछे भी लिखवाई थी आपको पंचवटी तो ये इनकी कुछ रचना है इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना चलिए आगे देखते हैं देखिए इनमें सुमोलित करके बताना है कौन सी रचना किसकी है देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो रम, रचना है नागमती वियोग वर्णन तो नागमती वियोग वर्णन जो है ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है ठीक है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है ब्रह्मा राक्षस की अगर बात करूँ तो ब्रह्मा राक्षस मुक्त बोध की रचना है ठीक है मुक्त बोध की रचना है झूठा सच तो झूठा सच यशपाल की रचना है ठीक है असाध्य वीणा तो ये आज्ञा की रचना है ठीक है तो इनको यहाँ पर नोट कर लेना चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साधारण साधारणीकरण और व्यक्ति बेचित्यवाद निबंध के लेखक कौन है साधारणीकरण और व्यक्ति बेच्यवाद के निबंध के लेखक जो हैं तो वो आपके आचार्य शुक्ल हैं ठीक है कौन है आचार्य शुक्ल हैं देखिए इनके जो अन्य निबंध है अगर उनकी बात करूं अन्य निबंध तो इनके अन्य निबंध भी हैं उनको भी यहाँ पर नोट कर लेना जैसे रहस्यवाद है ठीक रहस्य है रहस्यवाद है काव्य काव्य में लोक मंगल की साधारण वनस्था ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं छायावाद को प्रतिमवाद किसने कहा था छायावाद को प्रतिमवाद किसने कहा था तो किसने कहा था रामचंद्र शुक्ल ने ठीक है ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने स्वर्ग बनाया है स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे विफल बनाओ अरि अपसरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ तो यह पंक्ति कमायनी ने किस स्वर्ग से ली गई है तो कमायनी ने किस स्वर्ग से ली है देखिए अगर इसकी बात करूं तो ये कर्म सर्ग से ली गई है कहाँ से ली गई है कमाइन के कर्म सर्ग से ली गई है देखिए कमाइन के जो रचयिता हैं अगर इसकी बात करूँ इसके रचयिता तो इसके जो रचयिता हैं तो वो कौन हैं जयशंकर प्रसाद ठीक है जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता हैं ठीक है कमाइनी में पंद्र में सर्ग से ठीक है कमाइनी में पंद्र में सर्ग से ठीक है पंद में सरक से ये ली गई है और जयशंकर प्रसाद जो थे इनकी बात करूं तो ये छायावाद युग के कवि हैं ठीक है तो ये छायावाद युग के कवि हैं छायावाद युग के कवि ठीक है तो ये छायावाद युग के कवि हैं यहां पर ये भी नोट कर लेना ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है तो किसकी रचना है प्रेम चिंगारी ठीक है यहाँ पे अगर बात करूँ तो प्रेम चिंगारी जो है तो ये नज़फ अली की रचना है ठीक है किसकी रचना है नज़फ़ अली की रचना है देखिए यहाँ पे अगर नूर मोहम्मद ने जो लिखी थी वो थी इंद्रावती ठीक है क्या थी इंद्रावती इनकी रचना भी नोट कर लेना इंद्रावती और अनुराग देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ और इंद्रावती अनुराग बांसुरी अनुराग बांसुरी ये भी इनकी रचना है यहाँ पर नोट कर लेना अनुराग बांसरी ठीक है देखिए शेख नबी ने जो रचना करी थी वो करी थी ज्ञानदेव की ठीक है ज्ञान देव की और जयसी ने पद्मावत जयसी ने पद्मावत ठीक है यहाँ पर नोट कर लेना क्योंकि ये पूछ लेता है आपके पद्मावत के ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं तो हिंदी काव्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ इनकी प्रेम प्रेरणा स्रोत शोक कौन है तो देखिए यहाँ पे तो ये हैं आपके स्वामी रामानंद ठीक है कौन है राम काव्य के मुख्य प्रण स्रोत तो है स्वामी रामानंद ठीक है अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है तो आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रति निधि कवि कौन है तो देखिए ये है आपके सुमित्रानंदन पंत ठीक है तो के अनुसार जो प्रथम निधि है अगर उनकी बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निबंध निवन्द और निबंधकार के साथ मिलाइए तो कौन सा निबंध किसका है वो मैं यहाँ पर बताना देखिए पंगड़ियों का जमाना तो पंगड़ियों का जमाना इसकी इसकी जो रचना करी थी कुवेनाथ राय ने ठीक है कुबेरनाथ राय ने ठीक है ये इसके रचनाकार हैं रसात्मक बोध के विधि के रूप में तो रसायन बोध विधि के रूप में ये रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ठीक है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है तो ये रचना है विद्यानिवास मिश्र की ठीक है विवाह योग तो विवाह योग जो रचना है वो गुलाब राय की है ठीक है किसकी है गुलाब राय की है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है तो यह उक्ति किसकी है साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है यह उक्ति किसकी है तो यह उक्ति रामचंद्र शुक्ल की है ठीक है किसकी है रामचंद्र शुक्ल की चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है तो मर्यादा जो है किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है तो ये है आपकी द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज के टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है ठीक है और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम्स में सारे जूनियर स्टूडेंट और क्लर्क में आपके पूछे गए हैं ठीक है देखिए यहाँ पे बात करेंगे भक्ति की भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा तो इसकी रचना किसकी इसके रचनाकार कौन है पंक्तियों के तो ये जो कहा था तुलसीदास ने कहा था किसने कहा था तुलसीदास ने हम राज्य के लिए मरते हैं ठीक है तो ये काव्य पंक्ति जो हम राज्य के लिए मरते हैं तो ये मैथिली शरणगुप्त की है ठीक है ये उपमान मैले हो गए तो ये उपमान मैले हो गए तो ये अज्ञा की पंक्ति हैं ठीक है किसकी हैं अज्ञा की पंक्ति हैं ठीक है बतरस लालच लाल की पतरस लालच लाल की तो ये जो पंक्ति है ये बिहारी की पंक्ति है ठीक है किसकी है बिहारी की पंक्ति है तो देखिए इनको नोट कर लेना और ये आपके एग्जाम्स में जितने भी मैंने कराए हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको थ्योरी में सारे कंप्लीट करा दूंगा तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिप्सक्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है वहां से जाके पिछली क्लासों को भी जरूर देख लें चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी जब तक के लिए धन्यवाद